चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यशास्ते हृदये संवितं नृसिंहमाङ्गले विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम जय श्री लोकनाथन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई कर चरण वंदन जहाँ विघ्ननाशविष्ट श्री वांछा कल्पतरो यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्री श्री सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की श्री गृंद बिहारी बिहारी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की श्री भागवत निवास की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय गौर हरि श्री गौरांग महाप्रभु की भारतीय अनुकंपा से विलाप उस्मानी जी के माध्यम से सत्संग लाभ का सौसर प्राप्त हुआ है। आज विलाप उस्मानी जी श्लोक संख्या 58 अपिबत रसवत्या सिद्धये माधवस्य ब्रजपति पुरमुद्यत रोम रोमा ब्रजन्ति स्खलित गति रुदंच स्वांत सौख्येन किं मे क्वचिदपि नयनाभ्यां लप्यसे स्वामनीत्वम्। आचार्य चरण एक लीला का स्मरण कर रहे हैं। हे स्वामिनी, हे प्रियाजू, क्वचित पुत्रचित समय कभी ऐसा सुअवसर आए कि माधवस्य श्रीकृष्णस्य रसवत्या सिद्ध है। कभी क्या ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा कि आप माधव के लिए श्रीकृष्ण के लिए रसवत्या सिद्ध है, रंधन करने के लिए भोजन बनाने के लिए आप ब्रजपतिपुरम नंद बाबा के पूर नंद गांव में ब्रजंती जाएंगी और चलते समय उदंचन स्वांत सौख्य न उद्यत रूमा। जब आप बरसाना से नंद गांव की ओर चलेंगे प्यारे श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाने, उस समय आपके हृदय में जो आनंद उठेगा लसत स्वांत सौख्य न। प्रिया जी जब प्यारे श्याम सुंदर के लिए चलेंगे तो उस समय उनकी हृदय में आनंद का जो लहर आवेग उठेगा जिससे तुम्हारा सर्वांग रोमांचित हो जाएगा, स्वांत सौख्य न उद्यत रोम रोम। सेवा के भाव से ही हृदय में आवेग आनंद का आवेग आएगा और उस समय आप स्खलित गति का
कुछ सेवा सुख के आनंद के कारण आपकी पैर लड़खड़ाने लगी। प्रेम खलित गति त्वम की में नैना ध्यान लभ्य सेवा, क्या ऐसा सुअवसर या ऐसा सुंदर दृश्य क्या मैं अपने नयनों से देखूंगी कि प्यारे श्याम सुंदर के लिए रंधन करते समय आपके हृदय में जो प्रेम के हिलोड़ निकलेंगे, जिसके कारण आपके शरीर में रोमांचित हो जाएंगे, शरीर रोमावली युक्त हो जाएगा और प्रेम के उद्रेक के कारण पैर लड़खड़ाने लगेंगे। अब उस समय आपको मैं पकड़ करके कब चलूंगी, ऐसा क्या दृश्य उपस्थित होगा। ये रूप मंजरी कह रही है, ये तुलसी मंजरी। आचार्य चरण कहते हैं कि अनुभव जितना बढ़ता है या भगवत प्रेम प्राप्त करने की हृदय में जितनी आशा बलवती होगी कि मुझे भगवान मिलेंगे, उतना ही हृदय में आनंद है। साधक जब भगवान का भजन करता है तो एक एक पद पर भगवत अनुभूति होने लगती है, भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास पालन। भजन करते समय हमेशा भक्त लोग आशा लगाए रहते हैं कि जरूर ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे, तो जैसे जैसे उत्तर उत्तर आशा बढ़ती है वैसे वैसे ही स्वरूप का आवेश भी प्रबल होता है। हम लोगों का जो स्वरूप का आवेश, स्वरूप क्या है कि हम राधा किंकरी हों, ऐसा आवेश। और जब भक्ति उदय होती है, देखिए भक्ति का पहचान है, जब भक्ति हृदय में उदित होती है तो लगेगा कि मैं कितना पतित हूँ, कितना पापी हूँ, कितना निष्कृष्ट व्यक्ति हूँ, उस रस को मैं प्राप्त कर पाऊंगा क्या। और यदि भक्ति का अंतराय आता है तो सोचता है कि हमारे जैसे महात्मा कौन है। और जब भी भक्ति बढ़ती है हृदय में तो दैन्यता आती है, दीनता। जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद उत्कल्लिका वल्लरी में कहते हैं कि क्व जन्मोऽयम् अतीव पामरः। देखिए भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था है जब हृदय में भक्ति देवी प्रकट होती हैं, तो ऐसा ही भाव आता है कि कहाँ मैं अति पावन और कहाँ ये भगवान की भक्ति अति दुर्लभ। प्रेम सेवा, प्रिया जी की सेवा, कहाँ साधारण व्यक्ति और लाभ, इच्छा क्या है कि हमको प्रिया जी की सेवा मिले। तुम्हारा उस सेवा को प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा हृदय में जगती है। खास सत्य पूछा जाए तो आशा ही भक्ति पथ का जीवन। हमें जरूर प्रिया जी मिलेंगी, अपने हाथ से इशारा करेंगी, अपनी सेवा का सुअवसर प्राप्त देंगी, ऐसा भाव हमेशा साधक के हृदय में जब जगता है तभी महाराज भक्ति बढ़ती बलवती होती जाती है। और सबसे सुंदर भाव है कि मैं राधा दासी हूँ, मैं किशोरी जी की दासी हूँ, ऐसा भाव। यह आवेश समस्त अनर्थों को दूर कर देता है। यदि साधक के हृदय में ऐसा अभिलाषा जगे कि मैं प्रिया जी की दासी हूँ, बस हम हैं सके किशोरी जी की, हम दासी हैं किशोरी जी की, तो इतना जो अभिमान आ जाता है कि मैं किशोरी जी की दासी हूँ, तो इस अभिमान के द्वारा ही हमारा पूरा अनर्थ नष्ट हो जाता है। जब लड़की यह समझने लगती है कि हमारा पति ये है, हमारे ससुराल ये है, हमारे सास हैं, तो धीरे धीरे मायके का सब संबंध टूटने लगता है, छूट जाता है। उसी तरह साधक का सबसे बड़ा अभिमान यही कि मैं राधा किंकरी हूँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ, हमारा संबंध संसार में किसी व्यक्ति से है, न किसी स्थान से है, न किसी वस्तु से है, मैं केवल प्रिया जी की, मैं किशोरी जी की, किशोरी जी की दासी हूँ। जैसे मछली जल के बिना तड़पती रहती है, ऐसे जब राधा पददास की उत्कट अभिलाषा हृदय में जागृत होती है तो बस अब प्रिया जी रह नहीं पाए। साधन भजन किया जाता है केवल उत्कट अभिलाषा प्राप्त करने के लिए, बस ऐसी भाव जागृत हो जाए।
और देह का जितना वस्तु है अनर्थ है वो सब नष्ट हो जाएगा। देह को अनर्थ नष्ट करने का यही है। बार बार आचार्य चरण कहते हैं, जल बिना जेनो मीन दुख पाए आय हीन। ऐसी विकलता होना चाहिए, ऐसा तड़पन होना चाहिए, जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो तड़पने लगती है, वैसे इतना अभिमान हो जाए कि मैं प्रिया जी की दासी हूँ, प्रिया जी के अतिरिक्त हमारा इस जगत में कोई नहीं है, अब मैं केवल प्रिया जी की सेवा करना हमारा लक्ष्य। इस तरह यदि कोई भजन करता है तो वह कहीं निर्जल में हो, कहीं बैठा हो, कहीं किसी अवस्था में हो, वो केवल सतत प्रिया जी की अनुभव कर लेना चाहता है। देखिए ऐसी जब उत्कंठा हृदय में जगती है तो हमारे जितने शत्रु हैं तो आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय। जब ऐसा आनंद आएगा कि मैं राधा दासी हूँ, मैं प्रिया जी की सेविका हूँ, ऐसा आनंद आते ही जितने हमारे रिपु हैं, रिपु माने स्वसुख वासना की जो इच्छा है कि मैं सुख, ये हमेशा पराजय हो जाए, नष्ट हो जाते हैं और अनायास ही भगवान की प्राप्ति, गोविंद का प्राप्ति हो जाए श्री कृष्ण। राधा रानी की कृपा होती है तो श्री कृष्ण मिल जाते। इसी के लिए महात्मा लोग बार बार ये नाम संकीर्तन करते हैं, क्रमोन्नत प्रणाली से राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं कि तन्नाम रूप चरिता दिख सुकीर्तनानु। भगवत प्रेम को बढ़ाना है तो नाम रूप और लीलाओं का बार बार भाग, बस इस सकल समस्त उपदेश का यही सार, समस्त उपदेश का सार यही कि तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुराग। हम ब्रज में रहेंगे और ब्रज में रहेंगे तो ब्रजानुगामी बनेंगे। जैसे ब्रज में महापुरुष रह रहे हैं उन महापुरुष का अनुगामी बनेंगे, आदर्श बनाना पड़ेगा किसी एक, यदि ब्रज में रहना है तो एक को आदर्श बनाए, रूप गोस्वामी पाद को या सनातन गोस्वामी पाद को या रघुनाथ दास को, उनके रहनी जैसा अपना रहनी बनाए। हम किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, हमारा संबंध केवल ब्रजानुगामी होना पड़ेगा। तिष्ठन ब्रजे तदनुराग ब्रजनानुराग, ब्रज में रहना है तो किसी महत्व पुरुष का आश्रय लेना है और महापुरुष जैसे जैसे रह रहे हैं, जैसे जैसे वो उनकी दिनचर्या है वैसे रहेंगे और भजन जीवन यापन करेंगे, यही समस्त उपदेशों का सार है। जितने भी उपदेश हैं सब उपदेश का यही स्वार। और बैठ करके एकांत में क्या करेंगे तो प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण करें। अब देखिए आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं, आज स्मरण कर रहे हैं कि प्रिया जी प्रतिदिन नंदगांव में जाती हैं प्यारे श्याम सुंदर को श्याम सुंदर के लिए प्रसाद बनाते हैं प्रतिदिन। इसके लिए यशोदा मैया ने कीर्ति महारानी और जावट ने जटिला के पास प्रार्थना की है कि आप अपने जटिला से कहती हैं कि पुत्र वधु को भेज दीजिए और कृति मैया से कहती हैं कि आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, क्योंकि राधा रानी जिस वस्तु को छू देती हैं, स्पर्श कर देती हैं या बना देती हैं उससे उम्र बढ़ जाती है, जीवन शक्ति आ जाती है। तो राधा रानी प्रतिदिन आती हैं बनाने के लिए, सदा चाहती हैं प्रिया जी श्याम सुंदर से मिले, सदा चाहती रहती हूँ। प्रिया जी कहती हैं सदा मैं यही चाहती हैं कि तुम मिले ना श्याम सुंदर। तो भगवान से मिलने के लिए कोई न कोई उपाय खोजती रहती हैं। जब जाकर आकर सखी कहती है कि आज आपको भोजन बनाने के लिए जाना, देखिए हम लोगों को लगता है 12 बजे प्रिया जी सुबह सुबह जाती हैं भोजन, लेकिन एक सेकेंड का विरह प्रिया जी के लिए एक पल भी कितना दिन के बाद जा रही है कैसे
खास करके गर्गाचार्य या दुर्वासा जी या पौर्णमासी सखी इत्यादि के प्रार्थना करने पर ये प्रिया जी जाती हैं प्रिय श्याम सुंदर के भोजन बनाने के लिए। तो देखिए जब जावट से या बरसाना से प्रिया जी निकलती हैं तो घर से निकलते समय घूंघट निकाल कर चलती है और जब जंगल की ओर जब रास्ता में जाती है तो घूंघट खोल देती। देखिए इस रूप का दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ दास वसुदेव। और सखी मंजरियाँ चलने में प्रिया जी को थोड़ा परिश्रम होता है जैसे श्रम बिंदु आ जाते हैं तो पंखा सखी मंजरियाँ चलती रहती हैं। और श्याम सुंदर के चिंतन में इतना प्रगाढ़ है प्रिया जी इतना प्रगाढ़ है कि बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। जैसे भागवत में लिखा गया है पर्वत से छोटी छोटी नदियाँ बड़ा तीव्र गति से समुद्र की ओर जाती हैं वैसे ही प्रिया जी सारे बंधनों को तोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए तीव्र गति से चल रहे जा रही हैं तो उनके शरीर में पसीना आ रहा है और प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए उनके शरीर में इतना कंपन हो रहा है रोमांच हो रहा है पैर लड़खड़ा रहे हैं और अब मिलेंगे प्यारे श्याम सुंदर अब मिलेंगे इतना उत्कट इच्छा है कि लगता है कि कुछ दिन चलती है और चलते चलते गिर जाती पतति पदानि कियन्ति चलन्ति गीत गोविंद में है पतति पदानि और कियन्ति चलन्ति इतना प्रेम के आवेग में है कि थोड़ा चलती है और फिर लड़खड़ा करके गिर जाती। तुलसी मंजरी कहती है कि आपका पर्दा खुल गया आपको कितना उत्कट चाह है मिलने के लिए। आचार्य चरण के मन में वह दृश्य उपस्थित हो गया प्रिया जी की अंग प्रत्यंग प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और स्वामी का सुख ही एक किंकरियों का लक्ष्य है प्रिया जी की सेवा और कैसा सुभोग्य अवसर। उसी समय तुलसी मंजरी प्रिया जी को पकड़ करके चल रही प्रेम का इतना आवेग है प्रेम के शरीर कंपन हो रहा है किसी को राधा पादाब सेवा स्प्रिया कलत वृंदावन महिमा मृत में आचार्य चरण कहते हैं कि मंजरियों का सबसे बड़ी सेवा है कि प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी को एक साथ मिलाना और मिलाने में जो बाधा होता है उसको दूर करती है। प्रिया जी तेज गति से चलने के कारण क्या हो रहा है कि उनके चरणों का नुकुर जंकृत हो रहा है बड़े बड़े जो जोगी जति लोग तपस्या करके नुपुर ध्वनि सुनना चाहते हैं श्याम सुंदर का वंशी ध्वनि सुनना चाहते हैं अरे सखी मंजरियाँ सुन रही इसका ध्यान हृदय दर्पण में प्रियालाल के उसे दिव्य श्री उस श्री विग्रह उस अवस्था का दर्शन देह लतिका भाव से कंपित हो रही है। तो हे स्वामिनी आहा तुम भी आनंदित मने आप आनंदित मन से माधवीर भोग भक्ष पाके कारण आप प्यारे श्याम सुंदर के भोजन पकाने के लिए पाक बनाने के लिए रोमांचित कलेवरस खलित गलित रोमांचित शरीर होकर के शरीर बिल्कुल पुलकावली युक्त है और आपके नुपुर का झंकार हो रहा है से समय कबू तव पाइब के दर्शन रूप मंजरी कह रही कि क्या ऐसा मुझे सुअवसर प्राप्त होगा कि इस प्रभु के इस प्यारे श्याम सुंदर के वियोग में जो आपका शरीर पुलकावली युक्त हो गया है शरीर रोमांचित हो गया है उस वैसा श्री विग्रह को मैं देखूंगी अपने नेत्र से। इस प्रकार तुलसी मंजरी प्रिया जी का चिंतन कर रही है। आचार्य चरण कहते हैं कि इस रस का यदि अवगाहन करना चाहते हैं यदि कोई प्राप्त करना चाहता है कि मैं इस प्रिया जी के दिव्य रस का अवगाहन करूं, तो उसके लिए उपाय क्या है जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ है तो आपने उपाय बताया है जुगल प्रेम की सेवा का परम उपाय है यही हरे कृष्णे की संबोधनात्मक नाम संकीर्तनम इति जहाँ हम लोग कल चर्चा किए थे
कि नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्षण मंत्रवत्। जिस रस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी महापुरुष लोग यह रस चर्चा यह चाहते हैं, खास करके वृंदावन है इसी रस के लिए, मधुर रस के लिए सिद्धार्थ वृंदावन। इसीलिए यहाँ पर जितने भी महत्व पुरुष बड़े बड़े महापुरुष लोग आए जिन्होंने इस व्रत में बैठ करके साधना की, तो ये साधना क्या किए हैं, तो बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्षक मंत्र, ये परम श्रेष्ठ साधन है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के माध्यम से उस रस को प्राप्त कर प्रेम संपत्ति प्राप्त करने का अति अतरंग साधन है भगवान का नाम संकीर्तन। आये बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठ, ये साधन सम्राट नाम संकीर्तन करना। इसलिए जितने भी बड़े बड़े रसिक महापुरुष हैं ये भगवत प्रेम संपत्ति प्राप्त करने के लिए तदनुरागी महापुरुषों का आश्रय लेकर के नाम का अनुष्ठान किया, नाम संकीर्तन किया। और नाम क्या है तो हम लोग कल संकटोपनिषद का सुने थे नाम संकीर्तन, और श्रील जीव गोस्वामी पाद हरे कृष्ण महामंत्र का व्याख्या की भी किए। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, याद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे तक पहुंच गए थे ना, अब आठ हो गए थे, अब हरे नाम का आप बताते हैं रूप। देखिए ये महापुरुष लोग इसलिए बताया है कि नाम रटते रटते इन लीलाओं का चिंतन किया है, अब हरे नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे तक हो गए, अब हरे नाम का आप करते हैं। रसा वेश परिष्ट्रस्ता जहार मुरली हरे, जैसे प्रिया जी श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, अपने देह शुद्धि भूल जाती हैं, वैसे प्यारे श्याम सुंदर भी प्रिया जी का स्मरण करके इनका भी देह शुद्धि भूल जाती है। तो कहते हैं रसा वेश परिष्ट्रस्ता जहार मुरली हरे, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के लिए जब चल रहे हैं गिरिराज की तलहटी में, आप प्रिया जी के अंग गंध को पा करके रसा वेश परिस्त्रस्ता है, अब अपने शुद्ध बुद्ध खो गए और श्याम सुंदर की मुरली गिर गई। आज जब मुरली गिर गई तो हरेती कृतिता देवी बिपने के लीलम पटा, अब मुरली को राधा रानी चुराए, मुदरी लीला है ना, कभी श्याम सुंदर प्रिया जी की मुदरी चुरा लेते हैं, जानते हैं, और प्रिया जी की बंसी चुराते लीला का उत्कर्ष। हरेती कीर्तिता देवी विपने केली लंपटा, तो केली लंपट प्रिया जी के, प्रिया जी ने मुरली का जब हरण कर लिया, श्री कृष्ण के हाथ से गिर गई मुरली और प्यारे जी इसको छिपा, इसीलिए राधिका देवी को ही हरा नाम से कहा जाता है, हरा। और जिसके संबोधन में हरे रूप बन जाए, हरे नाम का अर्थ हो रहा है हरे माने रसा वेश से परिश्रांत श्री कृष्ण की मुरली गिर गई, उसको प्रिया जी हरण कर ली, इसलिए प्रिया जी का नाम हो गया हरा, और हरा के संबोधन में हरे बोल गया, हरे हरे नाम का। अब राम का अर्थ बता रहे हैं, गोवर्धन दरी कुंजे परिरंभ विचक्षण, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को लेकर के गिरिराज जी की गहवर गुफा में, देखो गिरिराज जी की तलहटी में जितनी गुफा है ये राधा माधव निवृत्त निकुंज है, प्रियालाल के निकुंज निवृत्त, तो गोवर्धन दरी कुंजी, गोवर्धन के गुफा के अंदर परिरंभ विलक्षणा आलिंगन चुंबनादि करने के कारण श्री राधा रमयामास रामस्तेन मतो हरि,
श्री राधिका के साथ विपरीत निकुंज में रमण करने के कारण श्री कृष्ण को यहाँ राम नाम से कहा गया। रामस्तेन मतो हरि, हरि को ही यहाँ राम कहा, तो हरे राम, फिर हरे राम के बाद फिर हरे राम, तो फिर कहते हैं हंति दुखानि भक्तानां मृति सौख्यानि चारुवः। ये भगवान क्या करते रहते हैं कि जो उनके शरण में आता है उसके दुख को चुरा लेते हरण करते। कृष्ण का ये काम, कोई भी उनके शरण में एक बार दंडवत कर लेता है, भगवान को प्रणाम कर लेता है, तो भगवान सोचते हैं मैं क्या करूं, तो उसके दुख को हरण कर लेते। महाकरुणा शालिनी प्रिया जी, श्रीमती राधा रानी के शरण में जो कोई भी भक्त आता है तो उस भक्त के हंति दुखानि भक्ताना, श्री कृष्ण के भक्तों के दुख को हरण करने के कारण राधा रानी का ही नाम पड़ गया हरे, राधा रानी का नाम पड़ गया हरा। राधा रानी दो काम करती है, दुख का हरण करती है, रति सौख्यानि चारुवः, नित्य बढ़ने वाले भक्ति को दे देती है दो काम, केवल हरण ही नहीं करती कुछ देती। तो हरण करने के कारण राधा रानी का नाम हो गया हरा, और हरा के संबोधन में हरे विष्णु, हरे राम हरे। फिर राम का अर्थ करते हैं रमन्ते भजते, रमन्ते भजते चेतः परमानंद वारिधौ, भजन करने वाले भक्तों का मन रमन्ते भजते चेतः परमानंद वारिधौ, परमानंद समुद्र में रमण करने वाले। देखिए भगवान कहाँ रमण करते हैं, तो भक्तों की चीत में रमण करते हैं। अत्रेति कथिता राम श्याम सुंदर विग्रह, जो श्याम सुंदर विग्रह वाले प्यारे श्याम सुंदर है, वही श्याम सुंदर जब भक्तों के हृदय में रमण करते हैं और परमानंद वारिधौ, परमानंद समुद्र से निमज्जित होते रहते हैं, इसीलिए श्याम सुंदर को ही यहाँ राम नाम से कहा गया, हरे राम हरे राम। अब देखिए हो गया राम राम, राम राम का कहते हैं रमति अच्युत प्रेमणा। प्रिया जी निवृत्त निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर को आनंदित करते, रमन्ति अच्युत प्रेमणा, प्रेम के द्वारा अच्युत को रमण करता कराती है। कहाँ कराती है, निकुंज वन मंदिर, वृंदावन है निकुंज वन, वृंदावन पूरे वृंदावन का नाम निकुंज वन, आजकल एक महल बन गया है, वृंदावन एक भी महल नहीं, ना एक भी मंदिर, वृंदावन पहले एक भी मंदिर नहीं था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए तो एक भी मंदिर नहीं था, केवल दो मंदिर था, एक था जमुना जी और दूसरा गिरिराज जी, और कुछ नहीं था। बिहारी जी तो आज से 400 वर्ष पहले हुए, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर, राधा रमण, ये 400-500 महाप्रभु के बाद सब। यहाँ पर वृंदावन में एक भी मंदिर नहीं, मंदिर देखना है तो आप मथुरा चले जाओ, यहाँ नहीं जगह, वृंदावन केवल निकुंज में, यहाँ गिरिराज जी हैं और जमुना जी हैं और ब्रजराज हैं और कुछ नहीं, और लता पता ये मठ मंदिर घर द्वारे वृंदावन में। तो ये वृंदावन क्या है, तो निकुंज वन मंदिर। इसीलिए पुराण में आप लोग पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में या ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो वृंदावन में, वृंदावन को गुप्त धाम कहा गया, बिल्कुल छिपा हुआ है, इसको वक्ता लोग बक बक करके इतना ख्यात करते हैं, लेकिन ये बहुत गुप्त धाम है वृंदावन, बहुत छिपा हुआ है। तो कहते हैं रमन्ति अच्युत अच्युतम प्रेमणा निकुंज वन मंदिर, निकुंज वन मंदिर में प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आनंद करते हैं। रमा निगदिता राधा राम युक्तस्तया पुनः, उसी रामा अर्थात राधा जो रमण कराती हैं, इसलिए राधा को यहाँ रमा कहा गया है, और रमा शब्द के संबोधन में राम बन गया, ये राम भी राधा रानी का नाम। जीव गोस्वामी कहते हैं रमती अच्युत प्रेमणा निकुंज वन मंदिर,
प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी यहाँ रमण कराती हैं, इसलिए इनका नाम रमा हो गया है और रमा के संबोधन राम बन गया। हरे राम हरे राम, राम राम हो गया, हो गया ना। अब राम का अर्थ कहते रोदन गोकुले दावा नल मास यति यशो। आप वृंदावन में दवानल कुंड देखे होंगे, ठीक है। तो कहते हैं ब्रजवासियों के रोदन पूर्ण आवाज को सुन करके जब प्यारे श्याम सुंदर ने कहा कि तुम लोग सब आंख मूंद लो, तो जब आंख मूंदे तो भगवान श्री कृष्ण आग उठी दबा उठी, मुखादग्नि न जाए तो वेद का मंत्र है मुखादग्नि न जाए। भगवान के मुख से तीन चीज निकला हुआ है, भगवान के मुंह से एक ब्राह्मण, ब्राह्मण की बड़े आग बबूला ब्राह्मण भगवान के मुंह से निकले हैं ना तो क्रोधित होता है, तेजस्वी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने तेजस्वी थे तो सब लोग कहते थे आग का बेटा है, जब नवदीप में थे सबको छेड़ते रहते थे, अरे कह वैष्णव वैष्णव विष्णु कहते महाप्रभु छेड़ते। तो भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, भगवान के मुख से आग की उत्पत्ति है, और भगवान के मुख से गैया की भी उत्पत्ति है। गो माता है तो भगवान के मुख से निकले, ये भी गाय बहुत खतरनाक होता है लेकर मारने। जमदग्नि के आश्रम में जब कौन गया था शस्त्र बाहुबल, हजारों सैनिकों को अकेले गैया ने मारा सब सैनिक। तो भगवान ब्रजवासियों को कहे कि तुम लोग चुपचाप शांत हो जाओ, अभी मैं देखता हूँ। सब आंख मूंदे तो सब आग भगवत मुखाद अग्नि न जाए तो मुख से अग्नि अग्नि को पी गई। विशेष यति तेनम तो रामो भक्त सुखा हुआ, भगवान संपूर्ण आग को पीकर अपने प्राण प्यारे भक्तों को रमण आनंदित किए, भक्तों को सुख प्रदान करने के कारण श्री कृष्ण को ही यहाँ राम नाम से कहा। श्री कृष्ण का नाम हो गया यहाँ पर राम। हरे राम हरे राम, राम राम हो गया। अब हरे का, हरे का क्या निहंती असुरान जातो मथुरा पुर नित्य सर। देखिए जीव गोस्वामी पाद है ना तो सैद्धांतिक तत्व स्थापित करते हैं। भगवान श्री हरि ने असुरों को मारने के लिए मथुरापुरी चले, निहंती असुरान जातो मथुरा पुर नित्य सर तदाक मत रह कामो जस्या चासो हरे दिशा। अब मथुरा में चले गए तो राधिका के एकांत मिलन के अभिलाषा से पुनः ब्रज में आ गए, अतः मथुरा आदि धामों से भी ब्रज की अधिक महिमा रहने के कारण